अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सर जी मूडल पर सर एन और एन थ्री जिसमें हमारा ये सेक्शन है वहाँ पर कोर्स मटेरियल अपलोड नहीं हुआ हुआ सर, सॉरी, स्लाइड अपलोड नहीं हुई। जो एन और एन सेक्शन है वो एन सेक्शन में ही मर्ज है और उसमें सारी चीजें अपलोड की हुई है लास्ट क्लास सर आपकी आवाज इको कर रही है बहुत ज़्यादा, तक। सॉरी, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा इको कर रही है। सर तो सर हमें वो फिर कौन से सेक्शन सेशन में या वीक में मिलेगी? सर प्रकाश वो कौन से सेशन में मिलेंगी? सेक्शन सर आपने अपलोड कर दी हुई है वहां पर? जी। ओके सर। अमन जाए प्रेजेंट सर। मोहम्मद प्रेजेंट सर। अरसलान काशिफ प्रेजेंट सर। आयशा अख्तर प्रेजेंट। आयशा कनीजा। आयशा कनीजा। आयशा नवीद। आयशा नवीद। फायदा इरशाद। प्रेजेंट सर। परिया अजहर। प्रेजेंट सर। जबेरिया शेख। प्रेजेंट सर। किंजा बख्तावर। किंजा बख्तावर। आयशा नबी। किंजा सर आयशा बख्तावर। कनीजा प्रेजेंट। मोहम्मद असलाम मजीद। प्रेजेंट सर। निमरा अफजल। प्रेजेंट सर। निमरा सदीक। निमरा सदीक। निमरा शायद।
निम्रा शाह नूरुल आलम प्रेजेंट रिजवान अल खान यस सर टाइगर बाग प्रेजेंट सर सना कपार प्रेजेंट सर सीरत रानी प्रेजेंट शालिका नई प्रेजेंट सर सैयद प्रेजेंट सर वसीम अहमद तौसीफ अहमद उसामा गुलजार प्रेजेंट सर उस्मान हुसैन उस्मान हुसैन वजिया मकबूल प्रेजेंट सर सर निम्रा सिद्दीक प्रेजेंट सर आयशा कनीजा भी नमस्कार प्रेजेंट अक्सर अक्सर अतिकुर रहमान अतिकुर रहमान आयशा अक्षर प्रेजेंट सर विस्मा तनवीर प्रेजेंट सर प्रेजेंट भट्ट प्रेजेंट सर मरियम जारी यस सर मोहम्मद शायद प्रेजेंट सर मोहम्मद शायद प्रेजेंट सर नूर फातिमा प्रेजेंट सर राबिया नजर राबिया नजर सैयदा फातिमा बाजे सैयदा फातिमा वाजिद उमर फारूक उमर फारूक यस सर प्रेजेंट जोहर यासीन प्रेजेंट सर last time we will discuss about intermolecular forces now Ahmed Zahid you tell me about how many types of intermolecular forces
Aman Zahid. Last time हमने intermolecular forces के बारे में पढ़ा था. Aman Zahid का हमने बताया. Yes sir. Intermolecular forces कितनी पैक्स होती है? सर थ्री टाइप की होती हैं सर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस और हाइड्रोजन फोर्स हाइड्रोजन बाउंड जी अली मोहम्मद अली मोहम्मद आयशा नदीम आयशा नदीम काइंडली बताएंगे आप लोगों के पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की कितनी टाइप है उनका नाम क्या है सर मुझसे पूछ रहे हैं आयशा नदीम से आयशा की आवाज नहीं आ रही आयशा अच्छा यस सर आयशा सर कितने टाइप्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है सर थ्री टाइप्स की होती हैं वो कौन कौन सी सर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है और आयन डाइपोल इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग लास्ट टाइम वी विल डिस्कस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड आई टॉट यू अबाउट फोर टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर लास्ट टाइम जो है मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप लोगों के पास चार तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है नंबर वन आयन डाइपोल इंटरेक्शन आयन डाइपोल इंटरेक्शन इज दोस टाइप ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन एन आयन एंड ए पोलर मॉलिक्यूल ऐसे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो एक आयन के दरमियान और एक पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं इसके बाद हमने दूसरी पढ़ी थी जिसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आती है The dipole-dipole interaction is those forces of interaction which is present between partial positive containing part of one molecule with partial positive containing part of another molecule. The force of interaction which is present between partial negative containing one part of one molecule interact with the other part of partial containing positive charge of another molecule is called dipole-dipole interaction. ऐसी force of interaction जिसमें एक molecule का partial positive containing part अट्रैक्ट करता है पार्शल नेगेटिव कंटेनिंग पार्ट को और दूसरे मॉलिक्यूल के और वो दूसरा मॉलिक्यूल पहले वाले मॉलिक्यूल से सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है और इस तरह के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को हमने नाम दिया था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन थर्ड टाइप जो हमने पढ़ी थी वो थी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ऐसी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है
जिसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल में स्लाइटली पोलैरिटी एंड यूज होती है और वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जनरेट होती है और उसी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को हम डाइपोल सॉरी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। इसके बाद फोर्थ टाइप हमने स्टडी की थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड पार्शियल नेगेटिव एटम ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव विच कंटेन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन। अगर आपके पास फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन हो जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम पर हो और दूसरे एटम जो है वो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो या फ्लोरीन हो, तो इस कंडीशन में इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होती है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर फ्लोरीन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम इंट्रैक्ट करता है तो इसका मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर इसके अलावा कोई और एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और वो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो इस इंट्रैक्शन को हम कहते हैं डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ दीज फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन वी कैन टेल विच कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड विच कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। Those compounds which have high force of interaction, strong force of interaction, have high melting and boiling point. And those compounds which have weak force of interaction have no melting and boiling point. वो वाले कंपाउंड जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और वो वाले कंपाउंड जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो। ये हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था। आज मैंने आप लोगों को डिफरेंट एग्जाम्पल देंगे और आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान किस तरह की फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है। और मैंने आप लोगों को एक आर्डर बताया था कि जिसकी वजह से आप लोग ये बता सकते हो कि सबसे ज्यादा इंट्रैक्शन किन मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, कौन सी टाइप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और कौन सी सबसे ज्यादा वीक होती है। और जिसमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से थी, उसके बाद आयन डाइपोल इंट्रैक्शन की वजह से थी, उसके बाद डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन थी और उसके सबसे कम जो है वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस थी। ठीक है, मैंने आपको कुछ एग्जांपल लिखकर देनी है और हर स्टूडेंट ने उन मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मौजूद है उनका नाम लिखना है और इसके साथ आप लोगों ने ये बताना है कि किस मॉलिक्यूल्स की किन मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और किन मॉलिक्यूल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो है। व्हाइट बोर्ड सबको नजर आ रहा है? सनलाइट रिफ्लेक्शन व्हाइट बोर्ड पे।
एक्सक्यूज मी सर जी, लाइट रिफ्लेक्शन आ गया है सर बोर्ड पे, सही नहीं दिखाई दे रहा। सी कलर इधर नहीं आ रहा। अब नजर आ रहा है जी सर, आप सही है। यहाँ पे पास चार कंपाउंड है और आप लोगों ने यह बताना है इन में से किस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका सबसे कम है। और इसके साथ आप लोगों ने यह भी बताना है कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो किस किस्म की है। सबसे पहला वाली क्यों जो है वो मैंने वाटर लिखा हुआ H2O। इसके बाद दूसरा कंपाउंड जो है वो आप लोगों के पास मेथनॉल है CH3OH। इसके बाद थर्ड कंपाउंड जो है वो आप लोगों के पास डाइमिथाइल ईथर है CH3OCH3। और लास्ट कंपाउंड जो है वो यूथेन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। नाउ यू कैन टेल मी अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस and explain which compound have high melting point and which compound have low melting point and explain their reason। जिसे मैं पूछूंगा आप लोगों में से उसने नहीं इसके रीजन बता दिए। अरसलान काशी। यस सर। काशी आपके ख्याल में इन मॉलिक्यूल्स में से किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, या किस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है और किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। सर वाटर का जो है, वाटर का क्यों, क्योंकि सर आपके पास ढाई ढाई लीटर का सबसे ज्यादा जो है बॉइलिंग पॉइंट है। जी सर। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैंने पूछा है कि आपके पास चार कंपाउंड है, वाटर मॉलिक्यूल है, मेथनॉल है, डाइमिथाइल ईथर है और मीथेन है। इन मॉलिक्यूल के दरमियान कौन कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। और दूसरा क्वेश्चन कि वो कौन से कंपाउंड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, वो कौन से कंपाउंड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है और उसके रीजन क्या है। जी अतीकुर रहमान। सर ये वाटर में ज्यादा हो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी है। जी आनंद है। अमन जाहिर। यस सर। काइंडली टेल मी अबाउट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन व्हिच आर प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड। सर CH3O CH3 में का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। इसमें फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन किस कंपाउंड में कौन सी है, सबसे पहले जो है यूथेन मॉलिक्यूल है सबसे लोअर क्लास में जो लिखा हुआ है, और एक बार CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें कौन कौन सी इंट्रैक्शन मौजूद है, जो इंट्रैक्शन की टाइप्स आपने पढ़ी है उनमें से कौन सी इंट्रैक्शन इसके अंदर मौजूद है। जिस वक्त हम इन कंपाउंड की बात करते हैं तो उस कंडीशन में सबसे पहले जो क्लास लंदन डिस्कशन फोर्स है
लंडन डिस्पर्शन फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो हर कंपाउंड के अंदर मौजूद होती है, चाहे वो पॉलर हो चाहे वो नॉन पॉलर। इसका मतलब है कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो एथेन के दरमियान भी है, डाइमिथाइल ईथर के दरमियान भी है, मेथनॉल के दरमियान भी है, वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान भी है। इसके बाद दूसरी क्लास थी डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, और डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन के लिए लाजमी है कि कंपाउंड के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 0.4 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लेस देन 0.4 है तो उस कंडीशन में बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर होगा, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन नहीं होगा। अब पहली क्लास तो होगी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, वो चारों कंपाउंड के अंदर मौजूद है। इसके बाद दूसरी क्लास होगी डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। फॉर दिस पर्पस वी चेक द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन the atom which the compound has। अब जिस तरह आपके पास इथेन कंपाउंड है, इसके अंदर कार्बन एटम है और हाइड्रोजन एटम। अब आप लोगों ने ये चेक करना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है। आप लोगों को पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.1, बाद में पेपर जो है वो 2.2 भी रिपोर्ट, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.3 है। जिस वक्त यानी कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी 2.3 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, अगर आप अब इसका डिफरेंस कैलकुलेट करते हो 2.3 माइनस 2.1 तो ये वैल्यू आपके पास 0.2। नजर नहीं आ रहा और आवाज भी नहीं आ रही सही से। सॉरी मैंने कहा था कि आप लोगों के पास कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसमें सर व्हाइट बोर्ड ठीक से नजर भी नहीं आ रहा और आपकी आवाज की भी समझ नहीं आ रही। व्हाइट बोर्ड नजर ही आ रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ वो भी नजर नहीं आ रहा। नो नहीं सर, नहीं नजर आ रहा, जो अभी आप लिख रहे हैं ना वो नहीं नजर आ रहा और आपकी आवाज की भी समझ नहीं आ रही। ये बार नजर आ रहा है जी, अब आ रहा है। इसमें सबसे लास्ट में आपके पास इथेन मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, ये नजर आ रहा है। यस सर आ रहा है। यस सर, इसमें आप लोगों के पास ये कम मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन पर और हाइड्रोजन पर कंसिस्ट कर रहा है। इसमें सिर्फ दो ही एटम है, एक कार्बन है दूसरा जो है वो हाइड्रोजन। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.3 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। सर कार्बन की 2.4 नहीं आती इलेक्ट्रोनेगेटिव, सर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4। ये ले 2.4 लिख लो क्योंकि डिफरेंट बुक में डिफरेंट वैल्यू है। अगर 2.4 करते हैं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। नेक्स्ट स्टेप पर आप लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाला। डिफरेंस में जिस वक्त 2.4 में से 2.1 को माइनस करते हैं तो आप लोगों के पास वैल्यू हासिल होती है 0.3। दिस वैल्यू 0.3 वैल्यू इज लेस देन 0.4 वैल्यू। इट मीन द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नॉन पोलर। सो वी कैन से दैट कार्बन एंड हाइड्रोजन शेयर इक्वली इलेक्ट्रॉन पेयर, जो बॉन्ड पेयर बना हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान
जो दो इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल है वो बॉन्ड जो है कार्बन और हाइड्रोजन के सेंटर में एग्जिस्ट करता है, ना ही वो हाइड्रोजन वाली साइड पर होता है ना ही कार्बन वाली साइड पर होता है, और इसी वजह से हम ना कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हैं और ना ही पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये वाला कंपाउंड जो है उसमें ना ही पार्शियल पॉजिटिव पार्ट होगा ना ही पार्शियल नेगेटिव पार्ट होगा, और जिस वक्त इस पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पार्ट नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी नहीं होगी। Now we can say ethane molecule has only London dispersion force of interaction. इसका मतलब है कि आपके पास जो ethane molecule है उसके अंदर सिर्फ London dispersion forces मौजूद है, इसके अलावा dipole dipole interaction, ion dipole interaction या हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं है। और मैंने कहा था कि वो वाले कंपाउंड जिनमें सबसे कम सबसे वीक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मौजूद होंगी उनका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे कम हो। इसके बाद हम दूसरे मॉलिक्यूल को चेक करते हैं, इसमें आप लोगों के पास डाइमिथाइल ईथर। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों के पास तीन एटम, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन। जिस वक्त हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक करते हैं तो उस कंडीशन में कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं है। इसका मतलब है ये वाला पार्ट जो है वो भी नॉन पोलर है और ये वाला पार्ट जो है वो भी नॉन पोलर, क्योंकि इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा नहीं है। लेकिन जिस वक्त हम चेक करते हैं ऑक्सीजन को कार्बन के निस्बत तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से काफी ज्यादा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3.5 है और कार्बन की 2.4। जिस वक्त हम इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं उस कंडीशन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के निस्बत काफी ज्यादा है, यानी कि 3.5 माइनस 2.4 1.1। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान 1.1 हासिल होता है। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पर आप लोग पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखते हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पर आप लोग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिखते हो। अब इन दोनों में से ऑक्सीजन एटम हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू कार्बन, दैट्स व्हाई द बॉन्ड which is present between oxygen and carbon, जो बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान मौजूद होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा उस एटम की तरफ होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मीन नेगेटिव चार्ज, और उसी वजह से हम ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखते हैं और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसके साथ मैंने आपको एक और बात बताई थी डायपोल मोमेंट के बारे में, जी अंदर का फिगर वो क्या थी अनमस्जब, यस सर, काइंडली टेल मी अबाउट डायपोल मोमेंट। सर आपकी समझ नहीं आ रही,
मैंने ये कहा था कि अगर आप लोगों के पास कंपाउंड के दरमियान जिस वक्त आप लोग डाइपोल मोमेंट लिखते हैं उस कंडीशन में आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस पर हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस पर हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इस कंडीशन में आप लोगों ने ये चेक करना होता है कि आप लोगों के पास ये ऑक्सीजन इस कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और इस कार्बन से भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और डाइपोल मोमेंट को हम एरो के साथ शो करते हैं, और एरो की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव एटम से नेगेटिव एटम की तरफ होती है। सर जी सुमैया जी सुमैया सर हम इसमें सिमेट्री की भी बात कर सकते हैं? जी डाइपोल मोमेंट के बेस पर आप लोग सिमेट्री के बारे में बता सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास कंपाउंड जो है उसका डाइपोल मोमेंट जीरो है तो हम कह रहे हैं कंपाउंड के अंदर सिमेट्री है। जिस तरह आप लोगों ने सरफेस टेंशन में डिस्कस किया था कि वो वाले कंपाउंड जो सेंटर में होते हैं मिड में होते हैं उन पर जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन हर डायरेक्शन से लग रही होती है उसका रिजल्टेंट आप लोगों के पास जीरो होता है। इसी तरह जिस वक्त हम ईथर की बात करते हैं तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है इस केस में ना ही राइट डायरेक्शन में होता है ना ही लेफ्ट डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि आप लोगों के पास डाइमिथाइल ईथर जो है ओवरऑल नॉन पोलर। अब आप लोगों के पास नॉन पोलर डाइथाइल हो गया, नॉन पोलर ही आप लोगों के पास इथेन मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। अब आप उसका मतलब है कि आप लोगों के पास इथेन मॉलिक्यूल जो है उसके दरमियान भी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है और डाइमिथाइल ईथर जो है उसके दरमियान भी जस्ट लंडन फोर्सेस मौजूद है। जिस वक्त हम इन दोनों कंपाउंड के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को चेक करते हैं, इसको चेक करने के लिए मैंने एक और पैरामीटर आप लोगों को बताया था अरसलान काशी का कौन सा है? अरसलान काशी जी सर, हाउ कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द कंपाउंड विच हैव ओनली लंडन डिस्पर्शन फोर्स? उन कंपाउंड को हम जिस किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं बॉन्डिंग पॉइंट के बेस पर कि जिनके दरमियान सिर्फ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, इसके अलावा कोई और फोर्सेस फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन नहीं है। मैंने आप लोगों से कहा था वो वाले कंपाउंड जिनके दरमियान सेम फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन हो जस्ट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हो तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम चेन लेंथ को मेजर करते हैं। वो वाले कंपाउंड जिनकी चेन लेंथ ज्यादा होगी उनके दरमियान लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म के होंगे, और वो वाले कंपाउंड जिनकी चेन लेंथ कम होगी उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन भी कम होगी। तो इसका मतलब है जिस वक्त हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं इसमें आप लोगों के पास चेन लेंथ में स्ट्रेट चेन लेंथ में दो एटम आते हैं, लेकिन जिस वक्त आप लोग इसकी बात करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास चेन लेंथ में तीन एटम आते हैं। इसका मतलब है कि डाई मिथाइल ईथर जो है उसकी चेन लेंथ इथेन की निस्बत ज्यादा है, दैट्स व्हाई द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डाई मिथाइल ईथर इज ग्रेटर देन इथेन। अब इन दोनों में से हमने कंपेयर कर लिया है कि डाई मिथाइल ईथर की जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो इथेन की निस्बत ज्यादा है। अब हमें चेक करना है कि बाकी जो कंपाउंड है
उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मौजूद है उनकी वैल्यू डाई मिथाइल ईथर से कम है या ज्यादा है? सर इसमें डाई मिथाइल ईथर में डाइपोल डाइपोल मूवमेंट भी तो है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन उस कंडीशन में होगी जिस वक्त आपके पास डाइपोल मोमेंट मौजूद हो। लास्ट टाइम मैंने आपको क्लोरोफॉर्म की और टेट्राक्लोरोमीथेन की एग्जांपल दी थी जिसमें क्लोरोफॉर्म के अंदर डाइपोल डाइपोल मोमेंट मौजूद होता है और जो आपके पास टेट्राक्लोरोमीथेन थी उसमें डाइपोल डाइपोल मोमेंट जीरो होता है क्योंकि उस कंडीशन में कंपाउंड जो है वो सिमेट्री होती है। कंपाउंड के अंदर क्या जितनी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन राइट साइड पर होती है उतनी ही लेफ्ट साइड पर होती है और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। जिस तरह यहाँ पर आपको वाली पिक्चर नजर आ रही है इसमें सेंटर वाला जो मॉलिक्यूल है इसके राइट साइड पर भी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन एक्ट कर रही है और लेफ्ट साइड पर भी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन एक्ट कर रही है। ये दोनों फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है इनकी वैल्यू मैग्नीट्यूड के लिहाज से सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। जिस तरह आप लोगों के दरमियान रस्सा कशी का मुकाबला होता है तो रस्सा कशी का जो मिड पॉइंट है अगर दोनों साइड पर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है खींचने वाली ताकत जो है वो दोनों इक्वल हो तो उस कंडीशन में रस्से का मिड पॉइंट जो है ना ही राइट साइड पर मूव करता है ना ही लेफ्ट साइड पर मूव करता है और डाइपोल मोमेंट के लिए लाजमी है कि आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर किसी न किसी एक डायरेक्शन की तरफ ज्यादा हो। अगर आप लेकिन सर ऑक्सीजन और मिथाइल ग्रुप को चेक करते हैं तो उस कंडीशन में इसमें डाइपोल मोमेंट है और उसी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी है और उस कंडीशन में इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन यानी कि डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होती है। लेकिन जिस वक्त हम इसके साथ ही इसके अपोजिट में ये भी अटैच कर देते हैं तो उस कंडीशन में दोनों डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन की डोनेटिंग पावर है जिसकी वजह से ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की डोनेटिंग पावर जो है वो इक्वल हो जाती है जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट इस कंपाउंड का जीरो हो जाता है जिसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ना ही इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना ही इससे इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना ही इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और जिस वक्त इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर टोटल कंपाउंड के ऊपर नहीं आए। उसके लिए लाजमी है कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो पोलर पोलर और उसमें सिमेट्री ना हो। इसके बाद इस वक्त हम चेक करते हैं आप लोगों के पास कंपाउंड मेथनॉल तो इस कंडीशन में आप लोगों के पास तीन एटम है कार्बन है हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। पहले वाला जो केस था उसमें आपके पास ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली कार्बन अटैच्ड है लेकिन जिस वक्त हम इसके स्ट्रक्चर को चेक करते हैं तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन जो है एक साइड पर कार्बन के साथ अटैच है और दूसरी साइड पर ऑक्सीजन के साथ अटैच है यानी कि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह है। अब जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत कम जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है उसकी मूवमेंट मोस्टली ऑक्सीजन वाली साइड पर होती है और उसी वजह से हम ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखते हैं और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से मेथनॉल का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है
और इस इंट्रैक्शन को हम डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कहते हैं। इसके साथ आप लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी कि जिस वक्त हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ या क्लोरीन के साथ या नाइट्रोजन के साथ अटैच हो, तो उस कंडीशन में पार्शियल पॉजिटिव कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम इंटरेक्ट पार्शियल नेगेटिव कंटेनिंग नाइट्रोजन और क्लोरीन और ऑक्सीजन एटम, देन दीज फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहां पर आपके पास हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच है, जिसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करेगा। अब पहले जो दो केस थे इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस थी, इसके अंदर भी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस थी। अब मेथानोल वाली केस जिस वक्त आया है उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी है, इसके साथ डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन भी है और इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। इसका मतलब है कि मेथानोल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डाइमिथाइल ईथर और डाइमिथाइल ईथर और एथानोल की निस्बत ज्यादा है, क्योंकि उसके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा है। अब जिस वक्त तो सर इस तरह तो हम डाइमिथाइल ईथर में ऑक्सीजन और मीथेन का जो था यानी सिर्फ एक CH3 पॉजिटिव और दूसरी साइड पे कर लेते CH3 पॉजिटिव और CH3 नेगेटिव। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह की होती है, ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच है और इसमें भी ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ अटैच है, इसमें ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच है एक साइड, और वो वाला ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन सॉरी वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ या फ्लोरीन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाता तो वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। इस केस में ऑक्सीजन जो है डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ अटैच नहीं है, इसी वजह से इसके अंदर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता, लेकिन मेथनॉल में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता। और आप लोगों ने पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन से और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस से सब स्ट्रॉन्ग किस्म की इंट्रैक्शन है। इसी वजह से जिस वक्त आप लोग इसको अरेंज करते हो तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा मेथानॉल का आता है, उसके बाद डाइमिथाइल ईथर का आता है, उसके बाद इथेन का आता है। अब लास्ट कंपाउंड बचा है वाटर मॉलिक्यूल। जिस वक्त हम वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास ये स्ट्रक्चर जो है वो हासिल होती है, जिसमें हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और ये हाइड्रोजन जो है वो भी पार्शियल पॉजिटिव। और इस केस में आप लोगों के पास एक ही हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच है। इस कंडीशन में ये दो हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, इसका मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन मेथानॉल के केस में सिर्फ एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच है। It means methanol has only one hydrogen bond, but oxygen, sorry, water molecule has two hydrogen bond. Because two hydrogen atoms are directly attached with oxygen atom, but in case of methanol, only one hydrogen atom is directly attached with oxygen. जितने हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली कार्बन के साथ या सॉरी ऑक्सीजन के साथ अटैच होंगे उतने वही हाइड्रोजन एटम जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन वाटर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
अब दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना मुश्किल होता है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना आसान होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन मेथनॉल एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेथनॉल इज ग्रेटर देन डाइमिथाइल ईथर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइमिथाइल ईथर इज ग्रेटर देन ईथेन। एक्सक्यूज मी सर, ऑर्डर में लिखते हैं कि इस ऑर्डर में आपको बॉइलिंग पॉइंट बनता है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है, उसके बाद कम किसका है, उसके बाद कम किसका है, तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर का आता है, उसके बाद मेथनॉल का आता है, उसके बाद आपके पास डाइमिथाइल ईथर का आएगा और सबसे लास्ट में आपके पास इथेन का आएगा। तो इस केस में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होगा और लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इथेन का होगा। इसके बाद आप लोगों की फर्स्ट असाइनमेंट है जिसमें आप लोगों ने हर स्टूडेंट ने 50 कंपाउंड का नाम लिखना है और इसके साथ आप लोगों ने यह बताना है कि उनके दरमियान पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन जो है उनकी कौन कौन सी टाइप है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी भी टाइप उनके अंदर मौजूद होंगी आप लोगों ने उनका नाम साथ में लाजमी लिखना है। सर 50 कंपाउंड्स? 50 जी, 50 कंपाउंड। सर कम कर दे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की लिखनी है। आप लोगों ने कंपाउंड का नाम लिखना है और उसके नीचे आप लोगों ने ये लिखना है कि इस कंपाउंड के अंदर कौन से हाइड्रोजन यानी कि इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस मौजूद है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है, अगर उसमें तीनों है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तो आप लोगों ने तीनों का नाम लिख देना। अगर उसमें सिर्फ एक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है तो आप लोगों ने सिर्फ एक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन का नाम लिखना है। ओके सर। आप लोगों ने 50 कंपाउंड का नाम और उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है मौजूद है उनका नाम आप लोगों ने। सर सिर्फ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन का नाम लिखना है, इसको एक्सप्लेन तो नहीं करना ना? कंपाउंड का नाम लिखना है और उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है सिर्फ उनका नाम लिखना, एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि आप लोग उसके बेस पर फिर फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी उनका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, जिनका दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम होंगे उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। एक्सक्यूज मी सर जी, सर जैसे डाइमिथाइल ईथर में डाइपल डाइपल इंट्रैक्शन भी मौजूद है लेकिन डाइपल मोमेंट की वजह से वो कैंसिल आउट हो रही है, तो वो लिखेंगे हम लोग? नहीं, आप लोगों ने ओवरऑल मॉलिक्यूल को चेक करना है, जिनके दरमियान डाइपल डाइपल इंट्रैक्शन डाइपल मोमेंट की वजह से कैंसिल आउट हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने उनके दरमियान डाइपल डाइपल इंट्रैक्शन नहीं लिखनी। ओके सर। इसके बाद विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन आप लोगों ने पढ़ लिया थी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था फेज चेंज, कि आप लोग कंपाउंड को एक फेज से दूसरे फेज में, दूसरे से तीसरे फेज में कन्वर्ट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हो और उसी एनर्जी को हम कहते हैं एन्थाल्पी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज of a compound from one phase to another phase is called enthalpy. If we melt of a solid compound into liquid, then this enthalpy is called heat of fusion. If we convert liquid molecule into gas form, then this amount of heat is called heat of vaporization. वो एनर्जी जिसको आप लोग सप्लाई करते हो, सप्लाई करने के बाद कंपाउंड सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस एनर्जी को हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन।
और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको अगर आप लोग कंपाउंड को सप्लाई करते हो तो उसकी वजह से वो लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और अगर आप लोग कंपाउंड की अमाउंट वन मोल यूज करते हो जिस तरह मीथेन गैस है, तो इसके लिए सिर्फ इसका एक मोल ही यूज करते हो, तो एक मोल को उसके एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो हीट रिक्वायर्ड होती है, उसको हम मोलर हीट कहते हैं। इफ वी कन्वर्ट वन मोल ऑफ ए सॉलिड कंपाउंड फ्रॉम सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज, देन द एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। इफ we convert liquid material from liquid form to vapor form and amount of liquid material is 1 mole, then the heat required is called molar heat of vaporization। agar aap log compound ka 1 mole use karte ho aur 1 mole ko एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम मोलर हीट ऑफ, अगर सबलाइम कर रहे हो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो तो उस कंडीशन में सबलिमेशन, और अगर लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो उस कंडीशन में वेपराइजेशन। और ये हीट डिपेंड करती है कि आप दो मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन वीक है या स्ट्रॉन्ग है। अगर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में आप लोगों को एनर्जी भी ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, और अगर ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन वीक है, सॉरी अगर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन वीक है तो उस कंडीशन में आप लोगों को कम एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी कि आप लोगों का कंपाउंड या मटेरियल जो है एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट हो सकता है आसानी से। अगर उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो उस कंडीशन में आप लोगों को लार्ज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली हीट सप्लाई करने का मतलब है कि आप लोग उनके दरमियान से फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को डिक्रीज कर रहे हैं, और अगर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो इसका मतलब है ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, और अगर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम होंगे तो उस कंडीशन में आप लोगों को कम एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। जिस तरह अगर आप लोगों को फाइनल पेपर होता है और फाइनल पेपर से पहले आप लोगों को फोर्स अगर ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में आप लोगों को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, और अगर आप लोग जो है आप लोगों का फोर्स कम होता है, सिलेबस आप लोगों को कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप लोग कम जो है मेहनत करोगे और आसानी से आप लोगों को तैयारी हो जाएगी। इसी तरह फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन अगर ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में आप लोगों को ज्यादा है हीट जो है वो सप्लाई करना पड़ेगी, और अगर आप लोगों के पास फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन वीक है तो उस कंडीशन में आप लोग कम एनर्जी प्रोवाइड करोगे। इसका मतलब है कि आप लोग हीट ऑफ वेपराइजेशन और हीट ऑफ फ्यूल के बारे में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पर बता सकते आप लोग वो पास वाटर जो है वो थ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक को हम सॉलिड फॉर्म को हम कहते हैं आइस, लिक्विड फॉर्म को हम कहते हैं वाटर यानी के लिक्विड फॉर्म, और थर्ड फेज जो है वो गैस फॉर्म जिसको हम स्टीम कहते हैं। वो टेम्परेचर जिस पर कंपाउंड सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होता है, द टेम्परेचर एट विच कंपाउंड द फेज ऑफ सॉलिड फेज ऑफ ए कंपाउंड
convert into liquid is called melting point. ऐसा टेम्परेचर जिस पर कंपाउंड सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होना शुरू होता है उसको हम कहते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। और वाटर का सॉरी आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप लोग टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से लेस रखते हो तो उस कंडीशन में वाटर जो है वो आइस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और अगर आप लोग टेम्परेचर को ग्रेटर देन 0 करते हो तो उस कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल जो है सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप लोग टेम्परेचर को राइज करते हो 0 से 99 तक तो उस कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों का टेम्परेचर जो है वो 100 तक राइज करता है तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और इस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसका मतलब है कि वाटर जो है H2O जो है अगर उसका टेम्परेचर लेस देन 0 है तो उस कंडीशन में वाटर जो है आइस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और अगर आपके पास टेम्परेचर जो है वो 0 से 100 से बिलो है यानी के ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 100 है तो उस कंडीशन में H2O लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 है तो इसका मतलब है कि आपको H2O जो है वो वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और जिस वक्त आप लोग हीट यानी कि टेम्परेचर राइज करते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स के दरमियान बेसिकली मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। लास्ट टाइम आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर राइज करते हैं तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज इंक्रीज देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज आल्सो इंक्रीज। व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीज देन द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज ग्रेजुअली डिक्रीज and when force of interaction between molecules decrease gradually then molecules shift from one phase to another phase. जिस वक्त हम temperature increase करते हैं तो उस condition में molecules की velocity जो है वो increase होती है और जिस वक्त molecules की velocity increase होती है इसका मतलब है कि molecules की kinetic energy increase हो रही है और जिस वक्त मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उस कंडीशन में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो वीक होना शुरू हो जाएंगे और जिस वक्त मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन वीक होंगे इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट होगा और जिस वक्त हम सॉलिड से लिक्विड फेज में और लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हम बेसिकली उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है उनको डिक्रीज करते हैं कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है सबसे कम वेपर फेज में होती है उसके बाद लिक्विड फेज में होती है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो सॉलिड फेज के अंदर मौजूद होती है। इसका मतलब है कि जब भी आप एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट करते हैं किसी भी स्पीशी को तो उस कंडीशन में उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो भी चेंज कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच लिक्विड फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू गैस फॉर्म। When we use water molecules in liquid form and we convert them from liquid phase to
गैस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। वो अमल जिसके जरिए हम वाटर मॉलिक्यूल को लिक्विड फेज से गैस फेज में कन्वर्ट करते हैं उसको हम वेपराइजेशन कहते हैं। और ये वेपराइजेशन का जो प्रोसेस है डिपेंड करता है कि आप लोगों का मॉलिक्यूल्स के दरमियान, आप लोगों के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम है या ज्यादा है। अगर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन वीक होंगी तो वेपराइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्पीड के साथ होगा, और अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो उस कंडीशन में वेपराइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो होगा। इसका मतलब है कि वेपराइजेशन जो है उसका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ इनवर्स रिलेशन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग देन वेपराइजेशन स्लो, इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक देन वेपराइजेशन प्रोसेस इज हाई। कि जिस वक्त आप लोगों के पास वेपराइजेशन का प्रोसेस हाई उस कंडीशन में होगा लिक्विड फॉर्म से मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में उस वक्त कन्वर्ट होंगे स्पीड के साथ जिस वक्त उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम हो। और जिस वक्त हम चेक करते हैं इन्हीं तीनों मॉलिक्यूल को कि जिसमें आप लोगों के पास इथेन है, डाइमिथाइल ईथर है, मेथानॉल है और वाटर मॉलिक्यूल है, तो इस कंडीशन में सबसे वीक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इथेन के दरमियान। इसका मतलब है कि वेपराइजेशन का प्रोसेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो इथेन का होगा, उसके बाद डाइमिथाइल ईथर का होगा, उसके बाद मेथानॉल का होगा और सबसे लास्ट में वाटर। तो आप लोग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पर ये भी बता सकते हो कि वेपराइजेशन का प्रोसेस किन मॉलिक्यूल के दरमियान ज्यादा होगा और किन मॉलिक्यूल के दरमियान कम होगा। और ये वेपराइजेशन का प्रोसेस जो है वो सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है कि अगर आप लोग सरफेस एरिया, जिस तरह ये आप लोगों के पास बीकर है इसमें आप लोगों ने वाटर को फिल किया हुआ है और उसके बाद आप लोग इसको हीट करते हो, हीट करने के बाद वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर आप लोग एक बीकर 100 ml का लेते हो और दूसरा बीकर जो है वो 1000 ml का लेते हो और लिक्विड का वॉल्यूम सेम है तो उस कंडीशन में वो वाटर मॉलिक्यूल्स जिसमें जिसका बीकर जो है 1000 ml का है, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है, उसको जिस वक्त आप लोग वेपर में फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो वो आसानी से स्पीड के साथ वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और वो बीकर जिसमें आप लोगों ने वाटर को फिल किया हुआ है उस कंडीशन में उसका सरफेस एरिया कम है तो उस कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो स्लोली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि वेपर फॉर्म में वो वाले मॉलिक्यूल स्टार्टिंग में जो सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं वो लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। और अगर ये वेपर सरफेस एरिया पर ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे वो उस कंडीशन में पॉसिबल है जिस वक्त आप लोग सरफेस एरिया ज्यादा कर देते हैं। जिस वक्त सरफेस एरिया ज्यादा होगा उस कंडीशन में ज्यादा ही मॉलिक्यूल सरफेस से यानी कि लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, और जिस वक्त मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे इसका मतलब है कि उनके वेपरेशन का प्रोसेस जो है वो फास्ट है, और जिस वक्त सरफेस एरिया कम होगा तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल जो है वो स्लोली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और जिस वक्त हम वेपर को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, द प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट गैस फेज इनटू लिक्विड फेज इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस में आप लोग गैस फेज को लिक्विड फेज में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट किस तरह करते हो, इस कंडीशन में आप लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिमूव करते हैं। जिस वक्त काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल की रिमूव होती है इसका मतलब है उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाती है, और जिस वक्त फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जनरेट होती है तो उस कंडीशन में वो गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। Thank you.
यहाँ तक अगर किसी कोई भी कंट्री है तो वो पहुंच सकता है। अक्सा है सर, सैयद फातिमा मस्जिद प्रेजेंट। अक्सा अतीक रहमान प्रेजेंट सर। राबिया नजर, राबिया नजर, सैयद फातिमा वाजिद प्रेजेंट सर। सर उस्मान हुसैन। निम्रा शाह। उस्मान हुसैन प्रेजेंट सर। ठीक है, अब आप लोग लीड कर सकते हैं। Excuse me, sir. Sir? जी एमएम। सर ये जो आपने असाइनमेंट दिया ये कब तक सबमिट करवानी है? मैं एलएमएस पे अपलोड कर देता हूँ और डेट भी अपलोड कर देता हूँ। ओके। ये आपको कितने तक जमा करवानी है? ओके सर। सर ये किस सेक्शन में होगी अपलोड? जो N और sorry N section और N three section वालों का एक ही section बना हुआ है और आप लोगों ने उसी में upload कर दिया। मैंने दोबारा बताया।